हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया पैटर्न लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। और इसे आप फ्रेंड्स बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। और ये इसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मैंने 38 फंदों पर डाला है। देखिए मैंने ये 38 फंदे डाल लिए हैं। 38 फंदे डालकर फ्रेंड्स हम सबसे पहले फंदे को, हम एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम ऐसे ही निकालेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस सिलाई को हम ऐसे ही निकालते हुए जाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। पहली सिलाई निकालने के बाद हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं फ्रेंड्स। उल्टी साइड में भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही बुनेंगे। हम उल्टे फंदे पर उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे पर हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे, सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा। दूसरी सिलाई निकालने के बाद अब हम तीसरी साइड आ गए हैं। तीसरी सिलाई भी फ्रेंड्स हमने वैसे ही निकालनी है। सीधे फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाना है, फिर आगे धागा करके उल्टे फंदे पर हमने ये उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे करके सीधे फंदे को हमने ऐसे सीधे बनाना है, फिर धागा आगे करके उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके सीधे फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। तीसरी सिलाई निकालने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और हमारी ये चौथी सिलाई है। देखिए हमारी ये चौथी सिलाई है, इसको भी फ्रेंड्स हम वैसे ही निकाल लेंगे। जो फंदा हमारा ऐसे उल्टा होगा, इस फंदे को हम ऐसे उल्टा निकाल लेंगे और जो फंदा हमारा सीधा है उसे हम सीधा ही बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट करते हुए हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। हमने फ्रेंड्स उल्टी सिलाई निकाल ली है, अब हम सीधी साइड आ गए हैं। ये हमारी चार सिलाइयाँ निकल चुकी हैं, 1 2 3 4, चार सिलाइयाँ निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए हम कैसे बनाएंगे पांचवी सिलाई में। पांचवी सिलाई में हम पहला फंदा ये सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। अब हम इस सीधे फंदे को यहाँ लेके जाएंगे और उल्टे फंदे को हम आगे ले आएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम सीधे फंदे को छोड़कर उल्टे फंदे को ऐसे हम सिलाई में डालेंगे और फिर जो हमारा ये सीधा फंदा है इसे हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इस उल्टे फंदे को भी हम इसमें डाल देंगे। अब इस उल्टे फंदे को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर ये एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। इस आगे वाले फंदे को भी हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब इस सीधे वाले फंदे को हम यहाँ ले आएंगे और इस उल्टे फंदे को हम पीछे लेकर जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स पहले हम इस सीधे फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर आगे धागा करके हम इस उल्टे वाले फंदे को, जो हमारा पहले फंदा था, उल्टे वाले फंदे को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। अब हम एक फंदा आगे का ये उल्टा बनाएंगे। अब हम इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और उल्टे फंदे को हम आगे ले आएंगे। अब हम उल्टे फंदे में सीधे फंदे को छोड़कर उल्टे फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस सीधे फंदे को हम पीछे ऐसे सिलाई में लेकर जाएंगे और उल्टे फंदे को हम आगे ले आएंगे। अब हम ये उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके हम एक फंदा ये सीधा बनाएंगे और ये आगे वाले फंदे को भी हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब हम इस उल्टे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और सीधे फंदे को हम आगे लाएंगे। इसके लिए हम पहले सीधे फंदे को बनाएंगे और फिर आगे धागा करके इस पहले वाले उल्टे फंदे को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे और इन्हें हम दोनों को नीचे उतार देंगे। अब एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। हम दोबारा फिर इस सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और उल्टे फंदे को हम आगे ले आएंगे। इसके लिए हम उल्टे फंदे में सिलाई डालकर सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे, उल्टे फंदे को हम आगे ले आए।
अब इस सीधे फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर एक फंदा और हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब इस सीधे फंदे को आगे ले आएंगे और उल्टे फंदे को हम आगे धागा करके उल्टे फंदे को हम बाद में बनाएंगे, और इस एक फंदा और हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। अब इस उल्टे फंदे को हम ऐसे आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदे को हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये तीन फंदे सीधे हो जाते हैं और तीन फंदे हमारे उल्टे हो जाते हैं। देखिए हमारे ये तीन फंदे उल्टे हो गए हैं। अब हम धागा पीछे करके इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, एक फंदा और हम सीधा बनाएंगे, इस सीधे फंदे को हम आगे लाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ये सिलाई हम पूरी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये सिलाई पूरी निकाल कर अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में भी फ्रेंड्स जो फंदे हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। हम सीधे फंदे पर सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे पर हम ये उल्टे बनाएंगे। ये हमारे तीन फंदे ये उल्टे हो गए हैं। फिर धागा पीछे करके ये तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे, फिर धागा आगे करके तीन फंदे हमारे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे करके तीन फंदे हमारे ये सीधे आएंगे, फिर धागा आगे करके तीन फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे। ये पूरी सिलाई में फ्रेंड्स ऐसे ही तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे निकलेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और हमारी ये सातवीं सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स हमने क्या करना, देखिए पहला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर आगे धागा करके ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा पीछे करके जो हमारे ये तीन फंदे सीधे वाले हैं इनमें से फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट वाला तीसरा फंदा है इसको हम इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर आगे धागा करके यहाँ पर हम एक जाली बनाएंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बना देंगे। देखिए हमारे ये दोबारा तीन फंदे हो गए हैं। अब आगे धागा करके उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारे तीन फंदे हैं, इनको हम तीन फंदों को उल्टा ही बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके हम सीधे फंदों में से तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर आगे धागा करके एक फंदा और सीधा बनाएंगे और यहाँ पर हमारी ये जाली टल जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये सिलाई हम पूरी निकाल लेंगे। हमने ये सिलाई निकाल ली, अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में फ्रेंड जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हमें उसको वैसा ही बुनना है। सीधे पर हमने सीधे बनाने हैं, उल्टे पर हमने उल्टा बनाना है। पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। इसकी उल्टी साइड फ्रेंड्स हमने हर बार ऐसे ही करना है। जो फंदा हमें उल्टा दिखाई देगा उसको उल्टा बनाना है और सीधे को सीधा बनाना है। ये जाली वाले फंदे को भी फ्रेंड्स हम ऐसे ये उल्टा ही बना देंगे। अब धागा पीछे ले जाकर तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे ले आके तीन फंदे हमारे ऐसे उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर तीन फंदे हमारे ये सीधे बनेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही निकलेगी। अब हमने ये सिलाई निकाल ली, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी नौवीं सिलाई है। इसमें भी फ्रेंड्स हमने वैसे ही करना है, जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा ही बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हम ऐसे सीधा निकाल लेंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इन तीन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके ये तीन फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हम पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। ये सिलाई निकालने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और ये हमारी दसवीं सिलाई है। इसमें भी फ्रेंड्स हम वैसे ही निकाल लेंगे, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है सीधा फंदा हम निकाल लेंगे पहला, उसके बाद हम ये तीन फंदे उल्टे निकाल लेंगे, फिर पीछे धागा करके तीन फंदे हम ऐसे सीधे निकाल लेंगे, फिर धागा आगे करके तीन फंदे हम ऐसे उल्टे निकाल लेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हम पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स अब हमने पहला फंदा ऐसे सीधा निकालना है, फिर आगे के दो फंदे हमने ऐसे
उल्टे निकालने हैं, फिर धागा पीछे करके, अब हमारे जो ये तीन फंदे सीधे हैं, इसमें फ्रेंड पीछे वाले तीसरे फंदे को हम इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, और इस फंदे पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक जाली बनाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। ये हमारे तीन फंदे बन गए हैं। फिर आगे धागा करके इन तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, दो तीन, फिर धागा पीछे करके, अब हम इन तीन फंदों में से पिछले तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, और पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा तीसरा फंदा बन गया। फिर आगे धागा करके हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके तीसरे फंदे को हम इनके इसके ऊपर से उतारेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई हम निकाल लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं, और ये हमारी 12वीं सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स देखना हमने कैसे करना है। पहला फंदा हम ऐसे सीधा निकाल लेंगे, फिर आगे का एक ये फंदा हम ऐसे सीधा ही उल्टा बुनेंगे, और जो हमारा ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे उतार कर ऐसे डाल लेंगे पीछे से, और इस फंदे के यहाँ से हम बुनेंगे। फिर हम एक फंदा और ऐसे सीधा निकाल लेंगे, फिर पीछे धागा करके इन तीन फंदों को हम सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके ये पहला फंदा उल्टा हम सीधा ऐसे ही बुनेंगे, और जो हमारा ये जाली से बना हुआ फंदा है, इस फंदे को ऐसे उतार कर हम इसको ऐसे डालेंगे, और यहाँ से हम इसको उल्टा बना लेंगे, और आगे के फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे। अब की बार हमें यहाँ जाली नहीं डालनी है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको ऐसा पलट रहे हैं। फिर तीन फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। अब इस फंदे को निकाल कर हम ऐसे डालेंगे और इसे हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके तीन फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हम पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्रेंड्स इधर सीधी साइड आ गए हैं। अब हमारी ये 13वीं सिलाई है, और इसमें फ्रेंड्स देखना हमने कैसे करना है। पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इस सीधे फंदे को हम आगे ले आएंगे, और उल्टे फंदे को हम पीछे लेकर जाएंगे। पहले हम इस सीधे वाले फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे, और इसको इसी सिलाई में रहने देंगे, फिर आगे धागा करके इस आगे वाले उल्टे फंदे को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, और इनको निकाल देंगे। फिर धागा पीछे करके जो हमारे बीच वाला फंदा है, इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब हम इस सीधे फंदे को यहाँ लेकर जाएंगे, और उल्टे फंदे को आगे ले आएंगे। अब हम पहले उल्टे वाले फंदे को ऐसे सिलाई में डालकर इस सीधे फंदे को हम पीछे करेंगे, और उल्टे फंदे को भी हम इसी सिलाई में डाल देंगे। अब आगे धागा करके इस उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इसे हम ऐसे सीधा बना देंगे, फिर आगे धागा करके इनमें से हम एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके सीधे फंदे को आगे ले आएंगे, और उल्टे को पीछे लेकर जाएंगे। फिर धागा पीछे करके हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके उल्टे फंदे को आगे ले आएंगे, और सीधे फंदे को हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, और इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे करके इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके सीधे फंदे को हम आगे लेकर आएंगे, धागा पीछे करके इस उल्टे फंदे को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर अब हम इस उल्टे फंदे को आगे लाएंगे, और पहले हम इस उल्टे फंदे को बनाएंगे, और बाद में हम इस सीधे फंदे को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई हमने पूरी ऐसे ही निकालनी है, आगे धागा करके एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे।
इस फंदे को फ्रेंड्स हम आगे लाएंगे सीधे वाले फंदे को और उल्टे फंदे को हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, फिर पीछे धागा करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स ये सिलाई हम पूरी निकाल लेंगे। हमने जो ये सिलाई निकाल लिया फ्रेंड्स 13वीं सिलाई, ये हमारी पहली सिलाई के जैसे निकली है। एक फंदा हमारा इसमें सीधा हुआ है, एक फंदा उल्टा हुआ है। ऐसे ही अब हम उल्टी साइड से भी निकाल लेंगे। जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है इसे हम उल्टा निकाल लेंगे और जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है इस फंदे को हम सीधा निकाल लेंगे। ऐसे ही निकालते हुए फ्रेंड्स हम ये चार सिलाइयाँ निकाल लेंगे। ये हमारी दूसरी है और दो सिलाई और हम ऐसे ही निकाल लेंगे, सीधे पर सीधी और उल्टे पर उल्टी। देखिए फ्रेंड्स हमने ये तीन सिलाइयाँ निकाल ली हैं और हमारा ये पैटर्न फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, इसमें देखने के बाद यहाँ से स्टार्ट होकर और हमारा यहाँ तक ये पैटर्न बनता है। इसके लिए हमारी 13 सिलाइयाँ निकलती हैं और उसके बाद हमारा ये नीचे वाला पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसे डालिए। थैंक यू फ्रेंड्स।